दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत देश के कई शहरों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से करवाने की मांग की गई है। वकील विनीत जिंदल ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई राज्यों में हुई ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती, इनके तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी मामलों की साझा जांच एनआईए से कराने की जरूरत है। बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जो बाद में हिंसा का रूप ले ली। पुलिस के मुताबिक पथराव किया गया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई घायल हो गए। जुलूस में कथित तौर पर तलवारें और अन्य हथियार लहराए गए थे। वहीं दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इसके बाद सड़कों पर पत्थर फेंके जाने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की जाने लगी, डंडे और तलवार लहराते लोग सड़कों पर आ गए। इस मामले में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग एक ही परिवार के हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 3 पिस्टल और 5 तलवारें जब्त की गई हैं।